हेलो दोस्तों, वेलकम टू योर चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है धमनीशारीर। तो देखो, धमनीशारीर अगर यूनिवर्सिटी की बात करें तो ये सिर्फ 2 मार्क्स का आता है, यानी कि इसकी वेटेज कुछ ज़्यादा नहीं है। तो इसलिए हम मेन मेन पॉइंट बात करेंगे जो यूजुअली एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो इसमें ये ऐसे ऐसे उनके पॉइंट्स हैं जो हम आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करें व्याख्या की। तो देखो, व्याख्या क्या रहता है? व्याख्या में आता है धमनात धमन, यानी जो धमन करती हुई इस रक्त को हृदय से सर्व शरीर गत ले जाती है, उसे धमनी कहते हैं। तो धमनी बेसिकली क्या है? जो हृदय से यानी हार्ट से लेके पूरे शरीर में लेके जाती है ब्लड को, उसे हम धमनी कहते हैं। हृदय से निकलने वाली शुद्ध रक्त वाहिनियों को धमनियां कहा जाता है। हृदय से निकलने वाली जो शुद्ध रक्त वाहिनियां, उन्हें क्या कहते हैं? धमनी कहा जाता है। धमनी मॉडर्न से बात करें, जैसे हमने सिरा को किससे कंपेयर करा था? वेन से। वैसे ही धमनी को किससे करते हैं? आर्टरी से। तो आर्टरी क्या रहता है? ब्लड वेसल दैट कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट है, एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। क्लियर है? तो ये हो गई व्याख्या। नेक्स्ट आता है इसके स्वरूप की बात करें। देखो, स्वरूप क्या रहता है इसका? तो वायु से पूर्ण होना, वायु से पूर्ण रहती है, धमन स्पंदन युक्त होती है, धमन करती हुई जो है रहती है ये, हृदय से संबंधित होना, और ये हार्ट से जो है कनेक्टेड रहती है। नेक्स्ट आता है उत्पत्ति स्थान क्या रहता है? चतुर्विंशति धमनयो नाभि प्रभवा अभिहिता। तो नाभि से उत्पन्न होने वाली 24 धमनियां होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इसकी संख्या कितनी होती है? 24। तो कहाँ से उत्पन्न होती है? ये नाभि से। सिरा का भी मूल स्थान क्या था? नाभि था। धमनी का भी क्या है? नाभि से ही उत्पन्न होती है, और ये 24 होती है। इसमें नाभि की तो इसमें रहता है गर्भ की स्थिति जो है नाभि, और जन्म के पश्चात जो है हृदय रहता है, इसका जो कनेक्शन होता है इससे। क्लियर है? तो मेन बात क्या याद रखनी है कि ये 24 जो है धमनियां होती है। संख्या की बात करें तो नाभि से उत्पन्न होने वाली 24 धमनियां होती है, वही बात दोबारा बोल ली हमने। उसके बाद इसके प्रकार और भेद की बात करें तो इसके 3 टाइप होते हैं। यहाँ पे एक श्लोक दे रखा है, ये आप याद कर लेना, ऐसे पूछ लेते हैं कभी कभी। तो इसमें 3 टाइप होते हैं, ये मेन बात है। पहला है ऊर्ध्वगामी, तीसरा अधोगामी, और तीसरा है तीर्घगामी। तो ऊर्ध्वगामी क्या होता है? नाभि से ऊपर जाने वाली, तो ये 10 होती है। नाभि से ऊपर जाएगी तो ऊर्ध्वगामी, नाभि से नीचे जाएगी तो अधोगामी, और तीर्घगामी जो है तीर्घ जाएगी तो 4 होती है। तो टोटल कितनी हो गई? 24। तो ये संख्या का क्लासिफिकेशन हो गया। अब इसका एक एक करके कार्य की बात करें तो सबसे पहले क्या रहता है? ऊर्ध्वगामी धमनियां क्या रहता है? तो ऊर्ध्वगामी जो है क्या था? ऊर्ध्वगामी की बात करें तो नाभि से ऊपर जाती है, तो ये होता है शब्द स्पर्श रूप रस गंध उच्छ्वास जृंभाई छींक रोकना हंसना आदि का अभिवहन करती हुई शरीर को क्या करती है? धारण करती है। क्लियर है? अधोगामी मतलब ये नीचे जाती है नाभि से, वात मूत्र मल शुक्र आर्तव आदि को अधोगामी में वहन करती है। और तीर्घगामी की बात करें तो तीर्घगामी जो है इनका शरीर में जाली की तरह जो है फैला हुआ रहता है, और इसके अंतिम सिरे लोम कूपों से संबंधित रहते हैं। तो ये एक बार आप रीड कर लेना, तो 2 मार्क्स का ये आता है, तो यूजुअली MCQ बनते हैं। तो मेन आप संख्या वगैरह याद करना, ठीक है? तो ये था हमारा धमनी शरीर। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक और सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।